आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा और कैटरीना कैफ एक साथ एक फिल्म में नजर आएंगे। इस तरह की अनाउंसमेंट कुछ महीनों पहले की गई थी और फिल्म का टाइटल जीले जरा बताया गया था। इस फिल्म की अनाउंसमेंट के बाद सभी काफी एक्साइटेड हो गए थे। फरहान अख्तर काफी लंबे गैप के बाद इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे और काफी ज्यादा हाइप क्रिएट होने के बाद ये खबरें आने लगी कि ये फिल्म अब नहीं हो रही है। लेकिन आलिया भट्ट ने रिसेंटली सभी स्पेकुलेशंस को रोकते हुए ये अपडेट दी है कि ये फिल्म अभी भी बनने वाली है। आलिया ने कहा कि ये फिल्म डेफिनेटली बनेगी और 2023 में यानी कि नेक्स्ट ईयर ऑन फ्लोर्स भी चली जाएगी। आलिया ने ये भी बताया कि प्रेगनेंसी की वजह से वो इस फिल्म को इमीडिएटली स्टार्ट नहीं कर पाएंगी, लेकिन वो इस फिल्म का हिस्सा है और ये फिल्म फरहान अख्तर बनाने वाले हैं। आलिया के इस इंटरव्यू के बाद अब इस फिल्म से रिलेटेड एक बड़ी अपडेट सामने आई है। कहा जा रहा है कि इस फिल्म में मेन लीड एक्टर का रोल प्ले करने के लिए एक एक्टर को फाइनलाइज कर लिया गया है और वो और कहीं नहीं बल्कि ईशान खट्टर है। जी हाँ, आपने सही सुना, फर्स्ट एवर रोड ट्रिप बेस्ड विमेन सेंट्रिक मूवी के लिए ईशान खट्टर को फाइनलाइज कर लिया गया है। इन तीनों बड़ी एक्ट्रेसेस के साथ ईशान भी अब इस फिल्म का हिस्सा होंगे। इससे पहले भी फरहान अख्तर कुछ इसी तरह की फिल्में बना चुके हैं जो कि पाथ ब्रेकिंग रही है, जैसे कि जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, दिल चाहता है, दिल धड़कने दो, और अब इस फिल्म से फैंस की काफी ज्यादा एक्सपेक्टेशंस भी बढ़ चुकी है।